हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, एक बार फिर मैं स्वरूप सर गुरुकुल के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। छात्रगण, जैसा कि हमारा चैप्टर जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 झारखंड सामान्य ज्ञान का चैप्टर चल रहा है और उस सिलेबस में एक पार्ट से झारखंड के लोक नृत्य फोक डांस ऑफ झारखंड। छात्रगण, अभी तक मैंने बहुत सारे झारखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों की चर्चा की है और इस चर्चा के दौरान नोट्स के दौरान मैंने ये देखा कि कौन नृत्य किस जनजाति में किस अवसर पर कौन सा अभिनय कौन पर्व त्योहारों के अवसर पर की जाती है। छात्रगण, उसी कड़ी में आज हम अन्य महत्वपूर्ण झारखंड के लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे और उसी नोट्स को हम पुनः कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे हो जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य। छात्रगण, मैंने पिछले लास्ट क्लास में लिखवाया था कि हो जनजाति के कौन कौन महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उसी में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा मागे नृत्य, नृत्य का नाम है मागे नृत्य और मागे नृत्य का लिखिए फर्स्ट पॉइंट, मागे नृत्य का लिखिए पहला पॉइंट। यह नृत्य मुख्य रूप से हो जनजाति में प्रचलित है। यह नृत्य ऐसे लिखिए, यह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है जो एक सामूहिक नृत्य, सामूहिक मतलब होता है महिला पुरुष, जो एक सामूहिक अर्थात महिला पुरुष का नृत्य है जो सोहराय पर्व के बाद आरंभ होता है, जो सोहराय पर्व के बाद आरंभ होता है। आरंभ होता है नेक्स्ट लिखिए बा नृत्य, नाम है बा नृत्य, बा नृत्य लिखिए इसमें भी। बा नृत्य हो जनजाति का, बा नृत्य हो जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है, एक प्रमुख नृत्य है जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। उसी में और यह नृत्य सरहुल के अवसर पर, और यह नृत्य मतलब बा नृत्य सरहुल के अवसर पर की जाती है, की जाती है। नेक्स्ट लिखिए जोम नमा, देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पे लिखा हुआ है जोम नमा लोक नृत्य, जोम नमा, जोम नमा लोक नृत्य। देखिए इसमें यह हो जनजाति का लोक नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। जो नई फसल ग्रहण, जो नई फसल ग्रहण करने के अवसर पर, जो नई फसल ग्रहण करने के अवसर पर आयोजित की जाती है, की जाती है।
नेक्स्ट लिखिए दसवें पर्व, दसवें दसवें लोक नृत्य एक प्रकार का पर्व भी है कि आपको यहां लिखना है दसवें नृत्य। देखिए इसमें दसवें में दसवें नृत्य हो जनजाति का नृत्य है। जिसमें जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं, जो दशहरे में या दशहरे के समय किया जाता है। यद्यपि यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, यद्यपि यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, नृत्य है, नेक्स्ट लिखिए हेरो, हेरो नृत्य, नेक्स्ट है हेरो नृत्य, हेरो हेरो नृत्य। देखिए इसमें यह नृत्य भी हो जनजाति में प्रचलित है, यह नृत्य भी हो जनजाति में प्रचलित है, जो धान की बुआई के बाद, जो धान की बुआई के बाद किया जाता है। किया जाता है उसी का नेक्स्ट पॉइंट, हेरो का ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नृत्य के दौरान महिला एवं पुरुष सम्मिलित रूप से, नृत्य के दौरान महिला एवं पुरुष सम्मिलित रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गायन और नृत्य करते हैं, गायन और नृत्य करते हैं। करते हैं हेडिंग दीजिए खड़िया नृत्य, हेडिंग है खड़िया नृत्य, जनजाति है खड़िया जनजाति, खड़िया नृत्य। इसमें लिखिए खड़िया समाज अग्ने, खड़िया समाज अग्ने परिवार का भाग है। परंतु मुंडा संथाल हो, परंतु मुंडा संथाल हो, जितने अग्ने परिवार के करीब है, जितने अग्ने परिवार के करीब हैं, उतना खड़िया समाज नहीं है। नहीं है उसका नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट, खड़िया समाज में
अनेक अवसरों पर नृत्यों की परंपरा कायम है। कायम है। नृत्यों की परंपरा कायम है, जिनमें से कुछ प्रमुख खड़िया नृत्य इस प्रकार है। लिखिए हल्का हल्का नृत्य, हेडिंग दीजिए हल्का, एक खड़िया नृत्य है एक प्रकार से, लेकिन हल्का नृत्य, और हल्का नृत्य का पहला पॉइंट लिखिए, यह नृत्य खड़िया समाज का एक नृत्य है। जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। जिसमें वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट हल्का का ही नेक्स्ट पॉइंट है, हल्का नृत्य में पाडू गीत का नाम है। हल्का नृत्य में पाडू गीत गाया जाता है। इस नृत्य को चरवाहे की थकान मिटाने का नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए नृत्य का नाम है जदुरा नृत्य। नेक्स्ट लिखिए जदुरा नृत्य, देखिए इसमें जदुरा नृत्य महिला और पुरुष द्वारा समान रूप से किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें झुकने की मुद्रा अधिक होती है जिसमें झुकने की मुद्रा अधिक होती है एवं पद का संचालन समान रूप से होता है। नेक्स्ट लिखिए जत्रा नृत्य। देखिए इसमें जत्रा नृत्य
हो सॉरी जतना नृत्य खड़िया जनजाति का एक नृत्य है जो कभी वृताकार रूप में तो कभी अर्धवृत्ताकार रूप में किया जाता है। जिसे कुढ़िंग नृत्य भी कहा जाता है उसी का नेक्स्ट पॉइंट, जतरा नृत्य युवक और युवतियों दोनों का एक सामूहिक नृत्य है। नेक्स्ट लिखिए डयोर। नेक्स्ट है डयोर नृत्य, डयोर नृत्य। देखिए इसमें डयोर नृत्य हल्का नृत्य का एक रूप है जिसमें नर्तक और नर्तकी अपने कंधे पर एक एक डंडा रखकर नृत्य करते हैं। उसी में या सर्पाकार मतलब सांप के आकार का या सर्पाकार गति का नृत्य है डयोर में। या सर्पाकार मतलब डयोर एक प्रकार का सर्पाकार नृत्य है जिसमें या इसमें या यह सर्पाकार नृत्य का एक रूप है या सर्पाकार गति का एक नृत्य है नेक्स्ट लिखिए आप फग्गू। नेक्स्ट है फग्गू गद्दी नृत्य या फग्गू खद्दी नृत्य। फग्गू खद्दी नृत्य इसमें लिखिए फग्गू खद्दी उरांव जनजाति का एक नृत्य है जो फागुन के महीने में किया जाता है। फग्गू खद्दी नृत्य उरांव जनजाति का एक नृत्य है जो फाल्गुन के महीने में किया जाता है। यह नृत्य सरहुल पर्व की प्रतीक्षा में किया जाता है। फ
फग्गु की प्रतीक्षा में किया जाता है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट, इस नृत्य में महिलाएं पीठ की ओर से हाथ में हाथ पकड़कर नृत्य करती है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट, हुर्रे की ध्वनि नृत्य की समाप्ति पर निकाली जाती है। नेक्स्ट लिखिए, डो डांग नृत्य। नेक्स्ट है डो डांग। डो डांग नृत्य, इसमें लिखिए, यह नृत्य में मांदर का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब डोडांग नृत्य में मांदर का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जो उरांव जनजाति का एक लोक नृत्य है उसी का नेक्स्ट पॉइंट, डोडांग नृत्य जदुरा नृत्य का ही उरांव संस्करण है। डोडांग नृत्य जदुरा नृत्य का ही एक उरांव संस्करण है। इसीलिए इसे जदुरा नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, धूड़िया। धूड़िया नृत्य। देखिए, इसमें यह नृत्य उरांव जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। जिसे धूल उड़ाने वाला नृत्य के रूप में जाना जाता है। उसी में लिखेगा, खेतों में बीज बोने के पश्चात मौसमी परिवर्तन के बाद
जब खेतों से धूल उड़ती है तब धूल उड़ाते हुए यह नृत्य किया जाता है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट, इस नृत्य में मांदर बजाकर लोग नाचते हैं, एवं मांदर के पलटी मारते ही हो हाइल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है, नेक्स्ट देखिए कर्मा नृत्य। इसमें झारखंड की यह एक प्रचलित नृत्य है जो जनजातियों के अलावा सदानों में भी खूब प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मा पूजा के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य यद्यपि उरांव जनजाति में यह नृत्य खूब प्रचलित है। कर्मा। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। जिसमें आठ पुरुष और आठ स्त्री भाग लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यह नृत्य झुककर किया जाता है। जिसके दो प्रकार होते हैं खेमटा और झीन सारी इसी का दो टाइप्स है, खेमटा और झीन सारी। नेक्स्ट पॉइंट उसी का, खेमटा में गति
अत्यंत धीमी, खेमटा में गति अत्यंत धीमी, खेमटा में गति अत्यंत धीमी गति से नृत्य होती है, जो रात के पहले पहर में ही संपन्न होती है, जो रात के पहले पहर में ही संपन्न होती है, जबकि झिनसारी रात के तीसरे पहर, जबकि झिनसारी रात के तीसरे पहर से प्रारंभ होकर सुबह मुर्गे की बांग होने तक, सुबह मुर्गे की बांग देने तक चलने वाला नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मा एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है और इस नृत्य में गाए जाने वाला गीत को लहुसा गीत, और इस गीत, इस नृत्य में गाए जाने वाला गीत को लहुसा गीत, सॉरी लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है नृत्य का नाम नचनी, नाचनी, नचनी नृत्य। नेक्स्ट है नचनी नृत्य, इसमें लिखिए नचनी एक पेशेवर नृत्य है। नचनी एक पेशेवर, मतलब इसका पेशा ही है, नचनी एक पेशेवर नृत्य है जिसमें नचनी अर्थात स्त्री नर्तक और रसिक, जिसमें नचनी अर्थात स्त्री नर्तक और रसिक अर्थात पुरुष नर्तक कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से नृत्य करते हैं, करते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप लोग जापी, नेक्स्ट लिखिए जापी नृत्य, नेक्स्ट हेडिंग है जापी नृत्य, लेकिन इसमें समान रूप से जापी नृत्य शिकार खेलने के दौरान, समान रूप से जापी नृत्य शिकार खेलने के दौरान विजय होकर लौटने पर किया जाने वाला नृत्य है। समान रूप से जापी नृत्य शिकार खेलने के दौरान विजय होकर लौटने पर किया जाने वाला नृत्य है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट, यह एक सामूहिक स्त्री पुरुष का नृत्य है। नृत्य है नेक्स्ट लिखिए आप लोग कदसा नृत्य। नेक्स्ट है कदसा नृत्य, और इसमें लिखिए कदसा नृत्य का प्रदर्शन कलश ले जाने के दौरान किया जाता है।
कलसा नृत्य का प्रदर्शन कलश ले जाने के दौरान किया जाता है, जो एक महिला प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष भाग नहीं लेते। बल्कि वे केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं, केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट लिखिए झूमर। झूमर नृत्य। नेक्स्ट लिखिए झूमर नृत्य। देखिए समान रूप से झूमर नृत्य फसलों की कटाई के अवसर पर किया जाता है, जो एक स्त्री प्रधान नृत्य है। यद्यपि जनजातियों द्वारा विवाह तथा अन्य पर्व त्योहार के अवसर पर भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। में कर
आज